नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया और सूत्रों के मुताबिक अगले साल सितंबर 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया जाएगा। और CWC की बैठक में राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी का नाम प्रपोज किया है और जिस पर वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों ने सहमति जताई है। यहां तक कि बार बार कांग्रेस आलाकमान पर सवाल उठाने वाले G23 के नेताओं ने भी राहुल के नाम पर सहमति जताई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर से राहुल गांधी को क्या कमान मिलने जा रही है कांग्रेस की, क्योंकि 2022 सितंबर में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा और अशोक गहलोत ने CWC की मीटिंग में राहुल गांधी के नाम का प्रपोजल रखा जिसे सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से मान लिया है। बात करेंगे संवाददाता विजय लक्ष्मी से। विजय लक्ष्मी, एक बार राहुल गांधी फिर से कांग्रेसी कमान संभालने जा रहे हैं फिर? देखिए अमित, कहना जल्दबाजी होगा लेकिन आज की मीटिंग की अगर हम बात करें तो मीटिंग का मेन जो मुख्य मुद्दा था आज का, वो था कि कांग्रेस के जो संगठनात्मक चुनाव हैं जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव भी है, उसका एक स्केड्यूल तय कर दिया जाए। अब जो सूत्र बता रहे हैं कि स्केड्यूल तय कर दिया गया है, कांग्रेस पार्टी सितंबर के महीने तक ये पूरी प्रक्रिया कर लेगी। बहरहाल सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक प्रपोजल रखा कि राहुल गांधी एक बार फिर से पार्टी की कमान संभालें और CWC के तमाम मेंबर्स ने इस पर अपनी सहमति जताई जिसमें G23 के दो नेता भी शामिल थे, इस तरह की खबरें सूत्र हमें बता रहे हैं। तो अगर कांग्रेस के संविधान को हम देखें अमित, तो इलेक्शन की प्रक्रिया तब होती है जब दो लोग अपना नामांकन भरें। अगर ऐसी स्थिति आती है तो चुनाव होता है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति, सिर्फ एक ही व्यक्ति अपना नामांकन भरता है तो ऐसे में उस व्यक्ति को अनअपोज्ड इलेक्ट घोषित कर दिया जाता है। अब देखना होगा, आज की मीटिंग में प्रपोजल जरूर रखा गया है। बाहर भी सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी ये दिल मांगे राहुल गांधी जो है वो सोशल मीडिया पर तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे फिर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास हो या बाकी नेता हो, इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ये जरूर बताना चाहती है कि राहुल गांधी में एक बार फिर से वो उनकी जो लीडरशिप है उसमें अपना फेथ ये तमाम लोग जो है वो दिखाना या बताना चाहते हैं। और शायद यही बात आज अशोक गहलोत ने भी अंदर की, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर, राहुल गांधी की सहमति होगी नहीं होगी, वो नामांकन भरेंगे नहीं भरेंगे, कोई और उनके खिलाफ नामांकन भरेगा नहीं भरेगा, ये तमाम चीजें जो है ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज की बात करें तो G23 के जो तमाम नेता थे जिनको माना जा रहा था कि जो गांधी के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोलकर खड़े हुए हैं, वो तमाम नेता भी आज इस बात से सहमत दिखे कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद की कमान एक बार फिर से संभालनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।